everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this is Samaira and this video is going to be Amisha Hall, जो कि मेरा तुम्हारा हम सबका favorite है. So चलो start करते हैं one by one. And मैंने इस बारी बहुत ही सारे sexy से top लिए हैं and in fact एक दो normal top भी हैं and everything is under 300. I think 300 से भी काफी ज्यादा सस्ता है, ऐसे भी 260, 240 ऐसा समथिंग का सारा है टॉप. तो सबसे पहले मैंने लिया है ये टॉप जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है. ये कुछ ऐसा दिखता है पिक्चर में, ये काफी ज्यादा ही सिमिलर आया और ये मुझे थोड़ा सा गरबा वाला वाइब देता है क्योंकि ना इसका जो ये चीज है ना, ये फ्लो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. एंड ये क्रॉप है तो इसके अंदर ये इफ अगर हवा चले तो ये उड़ सकता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा. एंड इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, पिंक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रीन एंड व्हाइट, तो मुझे ग्रीन वाला ज्यादा पसंद आया. एंड ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है पहनने पे, सो मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से स्टाइल भी किया है. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. So, क्या है ना, यहाँ थोड़ा सा कॉर्सेट काइंड ऑफ स्टाइल है इसका. ये जो आगे है ना, ये वाला जो शेप है थोड़ा कॉर्सेट वाला ऐसे शेप सा आता है. मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये एकदम एग्जैक्ट सेम आया है. ये पिक्चर में कुछ ऐसा दिख रहा था एंड पिक्चर में देखने पे लग रहा था ना कि पता नहीं, क्योंकि कोई रिव्यू नहीं था तो पता नहीं चल रहा था कि ये आएगा भी सेम टू सेम यानी, या फिर क्योंकि ड्यूप्स बनाते हैं तो ड्यूप्स भी कैसा होगा, बहुत बेकार होगा या कैसा मटेरियल होगा. सो ना इसका मटेरियल रिब्ड है तो रिब्ड मटेरियल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बट जो पिक्चर में दिख रहा है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा पॉलिएस्टर या क्रेप मटेरियल का दिख रहा था. ये टाई अप करने वाला चीज इसमें दिया हुआ है तो ये जो रिब्ड मटेरियल की वजह से ना इसका बैक काफी ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसा नहीं कि ये लाइक गिर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैकलेस टॉप में ऐसा होता है ना कि फ्रंट तो अच्छे से लग जाता है बट बट ना बैक ना ये ऐसे लूज सा रहता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, इफेक्ट अच्छा नहीं आता. यहाँ पे साइड में रुशिंग काइंड ऑफ दिया हुआ है जिसकी वजह से इस टॉप को बहुत ही ज्यादा हम लोग ऐसे क्रॉप कर सकते हैं थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए, और ये इफेक्ट पूरा ऊपर तक दिया हुआ है. इनफैक्ट इसके जो फ्रंट वाला जो एरिया है ना, इसमें भी ये ऐसे करके दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा पिक्चर्स में तीन चार तरीके से वो दिए हुए थे कि कैसे पहन सकते. एक तो आप इसको ऐसे नॉर्मल वी शेप करके पहन सकते हो एंड एक थोड़ा सा इसको ऐसे इफेक्ट देने के बाद थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर काइंड ऑफ इफेक्ट आता है. सो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट आई थिंक ये वाला शायद मुझे 300 का पड़ा है, 300 समथिंग, एंड मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा. इसमें भी कलर ऑप्शन काफी सारे थे, ऑरेंज था, ब्लैक था, और ब्लैक बहुत लाइक कॉमन है, तो अगर इस टाइम में मैं ब्लैक लेती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो व्हाइट थोड़ा सा ऐसे पार्टी में काफी ज्यादा अच्छा लगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. मुझे लगा था कि काफी ज्यादा क्रॉप सा आएगा, तो मुझे लगा था थोड़ा सा लाइक कवर अप काइंड ऑफ स्टाइल इसको यूज कर सकते हैं अंदर मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप टॉप है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये कवर अप आ जाता ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. तो इसमें ना यहाँ पे आगे में टाई अप वाला डिटेल दिया हुआ है, पिक्चर में भी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम था, तो काफी ज्यादा अच्छा है. एंड इस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है कि कौन से ब्रांड का है, ये बस लाइक रैंडम है. और ये भी रिब्ड मटेरियल का है बट बहुत ज्यादा थिक रिब्ड नहीं है, जैसा वो उस व्हाइट वाले में था. व्हाइट वाला का ना मटेरियल, सो व्हाइट वाले का मटेरियल ना बहुत ही ज्यादा थिक था. और हाँ, इसका जो ये डिटेलिंग है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लाइक स्लीव्स पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा वेवी काइंड ऑफ इफेक्ट आ रहा है, ये सारे जगह पे लाइक ऊपर पे भी है एंड लाइक पूरे जगह पे ये किया हुआ है. तो बस यही मेरे को थोड़ा सा इशू लगा कि थोड़ा सा और क्रॉप होना चाहिए था, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा लाइक एक इंच और क्रॉप होता ना तो ये बहुत अच्छा लगता, बट स्टिल ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको स्टाइल किया है. एंड आई थिंक ये भी 200 समथिंग का है,
So that's it for this one. 여기서부터 다시 보면 되겠지. 눈치로 놓을 테니까 이 영화를 넌 보면 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사. 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네. 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하. Baby I love you, baby I need you. 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸. I have is this one. ये pink color में है and ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था picture में. ये picture में ऐसा दिख रहा था. तो यहाँ पे जो ये elastic दिया हुआ है ना, ये एक picture में जिस तरीके का effect आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे puff सा आ रहा है. यहाँ पे जो तीन like I think two, हाँ दो layer में elastic दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ. तो ये जो इलास्टिक है ना, वो एक काफी अच्छा सा लाइक सिंचिंग इफेक्ट दे रहा है एंड तीन लेयर्स बना रहा है टॉप में. तो बहुत ही मस्त लग रहा था दिखने में पिक्चर में. एंड पिक्चर का जो पिंक कलर है ना, वो बहुत ही ज्यादा लाइट था. ये थोड़ा सा डार्क आया है एंड बहुत ही ज्यादा ज्यादा वाला पिंक है ये. जैसा पिक्चर में था वैसा नहीं है. सो ये भी तीन कलर्स में अवेलेबल था, व्हाइट, ग्रीन एंड पिंक. ग्रीन कलर का मेरा लेने का मन था बट लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ये ले लिया. बट ये पहनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसका मटेरियल तो बहुत अच्छा है, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका मटेरियल ऐसा आएगा. लेकिन हाँ, इसका जो लुक है ना, ये बिल्कुल एज इट इज नहीं है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है. ये जो इलास्टिक दी हुई है, ये थोड़ा सा और गैप पिंक में रहता ना, तो ये जो इफेक्ट वो उन्होंने पिक्चर में दिखाया है वो बिल्कुल बनता. एंड इसमें थोड़ा सा इशू भी है ये कि यहाँ पे जो इलास्टिक है, लाइक इन्होंने जो स्टिचिंग कर रखी है, ये ना दूसरे कलर के धागे से भी यहाँ पे कर रखा है. तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी. और मेरा ना रिटर्निंग पीरियड ख़त्म भी हो गया था, तो इसको मैं रिटर्न नहीं कर पाई. बट जब इसको मैंने स्टाइल किया था तो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रख लिया. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. इगन 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야. 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은. Baby I love you, baby I need you. 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸. I can only. And the last piece is this one, जो कि सबसे पहले आया था. लाइक मैंने ऑर्डर किया था सबको साथ ही साथ, और ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था. यहाँ पे 3 से 4 दिन में आजकल तो ऑर्डर आ जा रहे हैं मीशो के. एंड ये ना पिक्चर में जैसा दिख रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि कोई और मटेरियल होगा या कुछ और होगा, अच्छा सा नहीं आएगा. बट ये बिल्कुल सेम आया है. एंड ये ना दर्जी ब्रांड का है. आई थिंक इस ब्रांड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ही सारे वेबसाइट पे भी चल रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे भी मैंने इस ब्रांड के देखे हैं. और इस ब्रांड के सारे कपड़े लगभग सस्ते ही होते हैं. और आई थिंक ये वाला मुझे 200 से भी कम का पड़ा है. अच्छा नहीं, हाँ इसका प्राइस था 120, ठीक है. बट ना मुझे जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तो मुझे 50 रुपीज या 60 रुपीज ऐसे चार्ज लगे, तो 170 का पड़ा था मुझे ये टोटल. बट 170 में भी ये अच्छा है. एंड बाकी के प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी साथ के साथ. ये भी मुझे काफी सस्ता पड़ा था, 249 का था ये. तो 250 के हिसाब से मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा. एंड ये ना थोड़ा मार्बल इफेक्ट में है. यहाँ पे भी सेम ये रूशिंग काइंड ऑफ डिटेल दिया हुआ है. एंड यहाँ पीछे इलास्टिक, यहाँ पीछे ऐसे स्ट्रिंग दिया हुआ है. आपकी मर्जी है ये आप कैसे पहनो. लाइक इसको तो मैंने ऐसे बाहर निकाल के भी स्टाइल किया था, खुला छोड़ दो या फिर तो यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है एंड यहाँ भी नीचे स्ट्रिंग है. इसको फिलहाल मैंने भी बांध के रखा है, तो वो अब स्टाइलिंग अपने हिसाब से है. बट इसका मुझे एक चीज़ है जो अच्छा नहीं लगा, वो है ये कि मैंने ना सारी चीज़ों को स्मॉल साइज में ही ऑर्डर किया है, ठीक है. तो स्मॉल साइज के हिसाब से वजह से सेम वो जो वाइट वाला टॉप दिखाया अभी मैंने आप लोगों को, वो भी इसी स्टाइल में, लाइक आगे भी इस तरीके का है एंड टाइप है एंड पीछे है थोड़ा सा लाइक बैकलेस है. तो उसका जो बैकलेस वाला चीज़ है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, वो गिरता नहीं है बॉडी से. और ये ना बहुत ही ज़्यादा लूज है. इसका जो मटेरियल है ना, थोड़ा सा जो समझ नहीं आ पा रहा है, आई थिंक इसमें लाइक्रा मिक्स है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो रहा है. और जबकि मैंने स्मॉल में लिया था, मुझे लग रहा है इसका साइज़ देखे कि शायद एक्स्ट्रा स्मॉल में लेना चाहिए था, एंड आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल का ऑप्शन था नहीं वहाँ पे. सो ये पीछे से बहुत ज़्यादा लाइक बॉडी पे ऐसा गिर सा रहा है, ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है. तो पीछे का लुक बहुत ही मतलब अच्छा नहीं आ रहा है.
बस इतना ही इशू है मुझे, बाकी 250 के हिसाब से इसका लाइक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। ये मुझे थोड़ा सा Y2K वाला वाइब दे रहा है, क्योंकि उस समय इस तरीके का स्टाइल बहुत चलता था, ये मार्बल प्रिंट और सब कुछ तो वैसे भी पुराना वापस आ ही रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आपको अच्छा लगा हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नीचे, सो चेकआउट करना मत भूलना। एंड चेन्नई व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लीज देख लो, क्योंकि वो मुझे एडिट करने में बहुत लाइक मेहनत लगा है। एंड अगर कोई भी सजेशंस हैं जिसपे आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।